कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली के जंतर मंतर से केंद्र सरकार पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने किसानों और सांसदों संग मारपीट सहित कई मुद्दों को लेकर सरकार को निशाने पर लिया। संसद का मानसून सत्र खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने विरोध मार्च निकाला, जिसमें कई विपक्षी पार्टियों के नेता भी शामिल हुए। इस दौरान राहुल ने सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है, पार्लियामेंट में हम किसानों की बात उठाएं, दलितों की बात उठाएं, पार्लियामेंट में हमें बात करने नहीं देते। राहुल गांधी ने सरकार पर किसानों के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश की संसद में पहली बार सांसदों की पिटाई की गई। पहली बार इस देश की हिस्ट्री में सांसदों को मारा गया, धकेला गया, पीटा गया। नरेंद्र मोदी किसानों पर अत्याचार करते हैं, जो उनका है उनसे छीनते हैं और फिर किसानों को कहते हैं तुम देशद्रोही हो, तुम खालिस्तानी हो। राहुल गांधी ने सरकार पर कोरोना काल में गरीबों की मदद ना करने का भी आरोप लगाया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।